नमस्कार खेडूत मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में आपनो स्वागत छे। आजे तारीख 28 मार्च 2023, आजना सवारना 5:30 वाग्याना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां गुजरातमां आगामी समयमां 29, 30 अने 31 भारे मावठानी आगाही करवामां आवी छे। गुजरातमां कया कया विस्तारमां वरसाद पड़शे, सौराष्ट्र, कच्छ अने उत्तर गुजरात सहित समग्र विस्तारों जाणी लीए। चेनलमां नवा हो तो सब्सक्राइब करी वीडियोने तमाम लोको सुधी ग्रुपमां शेर करी देजो। गुजरात उपर वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय थशे अने अरबी समुद्रमां सर्क्युलेशन सिस्टम तेमज भेजवाळा पवनो गुजरात तरफ आवता गुजरातमां मावठानी दहેશત 2 दिवस माटे रहेशे। तेमज आगामी समयमां एप्रिल महिनामां पण वातावरणमां पलटो यथावत रहेशे। तो बात करिए आजे कया कया विस्तारों में केवा वरसादनी संभावना रहेली छे। 29, 30 अने 31 अपडेट जोईए। आ रीते 29 तारीख में समग्र गुजरात में काला डिबांग वादळों घेरायेला जोवा मळशे। सवारना समय थी ज गुजरातना वातावरण में पलटो आवशे अने भारे काला डिबांग वादळों घेरायेला जोवा मळशे, जेमां सांजना समये कच्छ जिला में घणा बधा विस्तारों में लखपत, खावड़ा, रापर, भूज, नलिया, गांधीधाम, मांडवी आ विस्तारों में भारे वादळा आवशे, जेना कारणे वरसादनी संभावना वधी जशे। हळवद, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ तेमज ओखा सलाया, पालनपुर, सुईगाम, मेहसाणा, अमदावाद, डूंगरपुर, दाहोद, गोधरा पंथक, साबरकांठा आ बधा विस्तारों अंदर वरसादनी शक्यताओ रहेली छे। हवे वात करीए 29 तारीखे सांजे 10 वाग्या पछीना समयगाळामां खावड़ा, भूज आजूबाजू तेम रापर अने गांधीधाम आजूबाजू वरसादी मावठानी शक्यता छे। तो उत्तर गुजरात में राधनपुर, मेहसाणा, खेड़ब्रह्मा तेमज पालनपुर, थराद, आबू रोड पंथक में अने साबरकांठा आजूबाजू विस्तारों में हलवा वरसादनी संभावना छे। हवे अपडेट जुए 30 तारीखनी, तो सवारे बात करिए तो कच्छ जिला में खावड़ा, नलिया, लखपत, रापर, भूज, गांधीधाम, मांडवी आजूबाजूना तमाम विस्तारों में एटले के समग्र कच्छ में वरसादनी संभावना छे। तो मोरबी तेमज कूड़ा, हळवद आजूबाजूना विस्तारों अने उत्तर गुजरात में सातलपुर, राधनपुर, रोड़ा, पाटण, सिद्धपुर, वडनगर, साणसमा, हारीज, मोढ़ेरा तेमज सुईगाम, दियोदर, पालनपुर, आबू रोड, अंबाजी आ बधा विस्तारों अंदर वरसादनी शक्यताओ जोवा मळे छे। बपोरना समयनी अपडेट जोईए तो कच्छ जिल्लामां नलिया, भूज, गांधीधाम, रापर, खावड़ा, लखपत समग्र कच्छमां वरसादी माहोल जोवा मळी शके। तो सौराष्ट्रमां सुईगाम, पालनपुर, मेहसाणा, डूंगरपुर, हिम्मतनगर सौराष्ट्रमां पण कोई कोई विस्तारों अने दक्षिण गुजरात तरफ जोईए तो राजपीपळा, छोटाउदेपुर, वडोदरा, भरूच आजूबाजूना विस्तारोमां वरसादी झापटानी शक्यता छे। के हवे वात करीशु सौराष्ट्रना विस्तारोनी, तो सौराष्ट्रमां ओखा सलाया, द्वारिका, भाटिया तेमज पाणवड, लालपुर, खंभाळिया, जामनगर, कालावाड आजूबाजूना जे विस्तारो छे ध्रोल सुधीना विस्तारोमां वरसादनी शक्यता रहेली छे। हवे वात करीए 31 तारीखमां सौराष्ट्रना विस्तारो जोईए, जेमां पोरबंदर, जूनागढ़ तेमज गीर सोमनाथ, उना, वेरावळ, महुवा आजूबाजूना कोई कोई विस्तारों तेमज दाहोद पंथक आजूबाजूना विस्तारों में वरसादनी शक्यता, साथे साथे पालनपुर आजूबाजू उत्तर गुजरातना विस्तारों, राधनपुर, मेहसाणा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर, खेड़ब्रह्मा, पालनपुर तेमज थराद, आबू रोड, धानेरा बधा विस्तारों की अंदर वरसादनी शक्यताओ 31 तारीख में पण रहेली छे। હવે વાત કરીએ આજે પવનની ઝડપ કચ્છ જિલ્લામાં દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં 35-40 તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર, જામનગર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ 41 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, અમદાવાદ આજુબાજુ 23-25 પવનની ઝડપ જોવા મળશે। 29 તારીખમાં પવનની ઝડપ જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં 48 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેવી જોવા મળશે। વાત કરીએ 30 તારીખમાં કચ્છ જિલ્લામાં 49 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં 44-45 પવનની ઝડપ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 40 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળશે। 31 તારીખમાં કચ્છમાં 40 તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ આજુબાજુ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 44, ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતમાં 28-30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક પવનની ઝડપ જોવા મળશે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા આજના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં, જોતા રહેજો ઓનલી ખેડૂત હેલ્પ।